हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों क्यों सर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सर, आपने अगर ग्रेजुटी पढ़ा और फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी नहीं पढ़ा ना सर, तो आप कभी ग्रेजुटी में अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते। दोस्तों, ग्रेजुटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, मैं ये कहूंगा अगर आपको ग्रेजुटी पढ़ना है तो सबसे पहले ये पढ़िए, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी। मतलब पढ़ने का तरीका, मतलब एक बार पढ़ लिया आपने और पढ़ने के बाद अगर आपको रिवीजन करनी है तो इसको नहीं छोड़ोगे भाई, किसी भी हालत में इसको छोड़ना ही है। ये इतनी बार पेपर में आया है ना, इतनी बार पेपर में, अभी दिखाऊंगा कितनी बार आया पेपर के अंदर, आप खुद हैरान हो जाओगे, कहेगा भाई इतना खतरनाक क्वेश्चन, ये तो याद करके ही जाना है किसी हालत में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 14 में पहुंच गए, हमने अभी 13 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, और पिछले 13 क्वेश्चन, 13वें मैंने क्या आपसे डिस्कस करा था, मैंने आपको 13वें में पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी बताई थी एज पर एक्ट, एज पर, आप खुद पढ़कर देखा था आपने कि मैंने एज पर कानून जो एक्ट में लिखा है, जो बेयर एक्ट में लिखा है, जो हमारा स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है ना, सीएमए के स्टडी मटेरियल के अंदर, उसके हिसाब से पढ़ाया था और बिल्कुल डिटेल में बताया था, बिल्कुल नोट्स आपको प्रिपेयर करे थे बढ़िया से। और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी में मतलब हर एक सेक्शन को कवर कराया, सेक्शन 4, 4, सेक्शन 4, 5, जो भी बुक के अंदर लिखा था हर एक बातें यहाँ पर कवर करी गई है। आज जो क्लास है ना, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी की, सर अगर ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं मैं, अगर ये यूट्यूब पे अपलोड है तो सर जो भी स्टूडेंट यूट्यूब वाले हैं जरूर देखे सर इस क्लास को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार अपनी बुक के अंदर कि ग्रेजुटी, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी कितनी बार पेपर में आया था। दोस्तों, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी कितनी बार पेपर में आया हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब ध्यान दो, हमने इंडस्ट्रियल लॉ चालू कराया है और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद हम ग्रेजुटी एक्ट पढ़ने, और ग्रेजुटी एक्ट अब गिनता रहना, ठीक है, मेरे साथ गिनते रहना कितनी बार पेपर में आया है। आप खुद कहोगे सर वाकई में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सही में कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी 4 नंबर का आया था, एक। उसके बाद 2013 में आया, ये सीएमए स्टडी मटेरियल, सीएमए का ही सिलेबस से पेपर का है, सीएमए के जो पेपर होते हैं सर स्कैनर, उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं, ध्यान देना। 2013 में पूछा, 2012 में पूछा, 4 नंबर का 2013 में, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी दो बार आया, याद देखना। फिर ये नहीं है दोस्तों, दो बार पूछा, आप गिनते रहना दोस्तों कितनी बार आया पेपर के अंदर। मैं पहले आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप जब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊ ना तो आपको ये पता हो कि भाई सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए ध्यान से पढ़ लेते हैं। और ये किसी एक पेपर नहीं, हर पेपर में आता है सर ये, चाहे आप सीए करो सीएस करो, अगर वो देख रहे हो तब भी देखो, बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ आज की क्लास में, इंग्लिश हिंदी सब लिखूंगा मैं, बाद में कभी ना भूलो आप, बट क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फॉर सीएमए ही है तो इसलिए मैं सीएमए के लिए वीडियो बनाता हूं, ध्यान देना सर आपका। और दूसरा कब आया सर, अभी रुको सर, केस स्टडी बांध दो, ये तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, केस स्टडी बांध दो, लो भाई देखना जरा, पहली केस स्टडी 2018 में पूछी गई थी, दिसंबर, 7 नंबर का, 7वां क्वेश्चन था, और कितना नंबर का था, 5 नंबर का, क्या लिखा है, फोर फीचर ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक। दूसरा आपके पास देखना, आगे जान देना, 3 बार पेपर में आ चुका है ये, फिर आगे करा है आपके पास ये वाला सर, फॉर फीचर ऑफ ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का एक केस लो है, वहां पर वेकेंट ऑफ क्वार्टर है, क्वार्टर की बात करता है तो वेकर ऑफ क्वार्टर की है, ग्रेजुटी का एक केस है, विथ हेल्ड मतलब ग्रेजुटी को रोक देना, विथ हेल्ड मतलब रोक देना, ध्यान सुनना आगे मैं सिखाऊंगा। 4 क्वेश्चन आ गया, 4, जहां जहां क्वार्टर की बात करेगा देखो, ग्रेजुटी वाज फॉरफिटेड, फिर आया 2011 में 5, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं पहले, फिर जाकर मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, और पूरी 2 क्लास लगेगी ग्रेजुटी को समझाने में, क्योंकि इसके अंदर केस लो बहुत ज्यादा है, केस लो भी समझाना है मुझे, क्योंकि केस लो से बनता है पेपर। आगे सुना सर, आगे सुने, आगे और देखते हैं सर एक बार, मैं आपको दिखा दूं, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर इग्नोरेंस दिखाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इग्नोर नहीं करना इस कॉन्सेप्ट को, पूरे बुक के अंदर पूरा उसमें आपको ये जरूर पढ़ना है दोस्तों, ये जरूर पढ़ना है, फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी, ठीक है। आप खुद ही देख लो सर कितनी बार पेपर में आया हुआ है फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी, और मेरे को मिल नहीं रहा है, और भी होंगे बहुत सारे, एमटीपी पे देख लेते हैं, एमटीपी में क्या आया फोर फीचर ऑफ ग्रेजुटी, एक बार एमटीपी में भी दिया हुआ है, डिविजनी टेस्ट पे, आरटीपी में देख लेते हैं, आरटीपी में क्या है, सारी चीज कराते हैं कवर, आरटीपी एमटीपी सब कवर कराएंगे सर आपको, टेंशन मत लो आप, फॉर फ्यूचर ऑफ ग्रेजुटी एमटीपी में भी कवर है, एक बार देखो, एक ही क्वेश्चन हो गया, 30, 1, 2,
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, आठ बार पेपर में आया है सर। मजाक है क्या आठ बार आना? अगर दो बार भी आता है हम उसको इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, तो आठ बार आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों। अब जो मेरा कंसेप्ट ना, अगला एक घंटा की क्लास होगी और एक घंटे की जो क्लास है ना वो ध्यान से देखना। देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आगे आगे बढ़ाकर सही कर लूं तो कभी नहीं आने वाला, ये तो गारंटी है, लिख कर लो, आगे बढ़ाकर कभी आएगा नहीं कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो। आराम से देखो, इंपॉर्टेंट है, टाइम लगाएंगे, एक घंटा पूरा देंगे, पर इंपॉर्टेंट साथ साथ लिखना मेरे साथ साथ, मैं क्या लिख रहा हूँ वो सब लिखना आप, जो जो मैं लिख रहा हूँ। अगली दो क्लास फोर फ्यूचर ऑफ ग्रेजुएट लेगा, जान उसकर दो क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली क्लास में तो कौन सा समझाना है, दूसरी क्लास में समझाना है सारे केस स्टडी, कम से कम छह सात केस स्टडीज है वो मेरे को सारी डिस्कस करनी है, क्योंकि केस स्टडी से ही पेपर में आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएटी, बस बने रहे साथ में, बने रहना और ध्यान समझना, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेजुएटी क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताया, जब भी मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा दूं पेपर के लिए, और ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन में हमेशा स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखो। मैंने बताया कई बार आपको पेपर पीछे वीडियो क्लासेस के अंदर, जिस क्वेश्चन के लिए मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, जो क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, उसमें आप स्टडी मैट की लैंग्वेज लिखोगे। सजेस्टेड आंसर किसके लिए होता है? सजेस्टेड, जो इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है वो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज होती है, तो हमें भी उसी स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में याद करना है। और आज मैं स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में याद करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो जो लॉ कहता है वो समझना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको मैं हिंदी में लिख दूंगा नीचे, बस हिंदी वाला समझने के लिए लिखने वाला लॉ होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहली बात क्या है, सेक्शन 4-5 हमने पिछले करा था, 4-5 तक यहाँ करता था, सेक्शन 4 क्लॉज 5, सेक्शन 4 क्लॉज 5 है, और यहाँ पर लिख रहे हैं सेक्शन 4 क्लॉज 6, लाइन से ही आ रहा है वो, ठीक है, सेक्शन 4 क्लॉज 6 याद रखना, सेक्शन भी याद करके जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और जो लाइन में इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ वो समझ लेना, उसमें सेक्शन भी याद करना है, सेक्शन भी याद करना है, प्लस लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज लिखने की मत सोचना, पहली बता रहा हूं मैं, ठीक है। लॉ की लैंग्वेज लिखोगे तभी नंबर आएगा, अगले लाइन लिखोगे नंबर कट जाएंगे, कहीं ना कहीं कटेंगे। लॉ की लैंग्वेज लिखो ना 100% नंबर कहीं नहीं जाएंगे, लॉ में पास होने का तरीका यही है कि लॉ की लैंग्वेज को फॉलो करो, और लॉ की लैंग्वेज कहां लिखिए, स्टडी मटेरियल के अंदर, ध्यान देना सर। सेक्शन 4-6, सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 याद रखना, फीचर ऑफ ग्रेजुएटी का सेक्शन क्या है, 4 और क्लॉज 6, सेक्शन 4 क्लॉज 6 और 5 तक क्लॉज में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी में सिखा चुका आपको। मैं एक बार फिर नजर दिखा देता हूं आपको, मैंने आपको यहां पर दिखाया सर, सेक्शन 4-1 क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी के बारे में बताता है, किसको पेमेंट मिलेगी, 4-2, 4-3, 4-4 और 4-5, मैं सारी बातें आपको सिखा चुका, 4-6 पर आ गए हैं, 4 फीचर ऑफ ग्रेजुएटी, ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सेक्शन 4-6 प्रोवाइड्स दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, ओहो ये एक इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बहुत से स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, पर इग्नोरेंस कब तक करोगे भाई, क्योंकि लॉ है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डायरेक्ट टेक्स्ट में देखना, नॉट विद स्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है, ये वर्ड जहां दिखा समझ लेना हर जगह यही मतलब है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। नॉट विथ स्टैंडिंग ये डायरेक्ट टैक्स में दिखेगा आपको, जो जो लॉ है हर लॉ में दिखेगा, डायरेक्ट जीएसटी सब जगह दिखेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एक लॉ का बहुत बेहतरीन वर्ड है। एनीथिंग कंटेन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, साथ साथ लिखते जाए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन, इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 4 6 चल रहा है ना, ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 चल रहा है ना, 1 में जो लिखा था उसमें नॉट विथ स्टैंडिंग कर रहा है, तो मैं आपको इसको हिंदी में लिखकर दिखाता हूं दोस्तों। अगर मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ना, रेड से समझ लेना वो हिंदी है, उसको आपको पेपर में नहीं लिखना, पेपर में ये लिखना है, उसके बाद फिर जब ब्लू पेन से होगा ब्लू पेन वाला लिखना है पेपर के अंदर। लिखो सर सेक्शन 4, मैं आपको इतनी बढ़िया नोट्स बनाकर देने वाला हूं। सेक्शन 4 हमें बताता है, जो प्रोविजन सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में है, जो प्रोविजन सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में लिखा है उससे
नॉट स्टैंडिंग कर लिया, क्या कर लिया उसे, नॉट विथ स्टैंडिंग कर लिया। अब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इस सेक्शन के पास सबसे ज्यादा पावर है। अगर कोई सेक्शन इस सेक्शन के साथ क्लैश कर रहा है तो इस सेक्शन की पावर ज्यादा है, किसी सेक्शन की पावर ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा पावर इस सेक्शन की होगी। अगर सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में लिखा है कि ग्रेजुटी मिलेगी और ये सेक्शन कहता है ग्रेजुटी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। फिर नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हुआ कि एक स्पेशलाइज पावर दे दी गई सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, हर सेक्शन के सबसे ऊपर, इस एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शन है उस सेक्शन से सबसे ऊपर रखा जाएगा। बट इधर लिखा है इन सेक्शन सब सेक्शन 1, ये कह रहा है सिर्फ सब सेक्शन 1 के ऊपर रखा जाएगा, पूरे एक्ट के सेक्शन के नहीं, सिर्फ सब सेक्शन 1 के। मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है स्पेशलाइज पावर दी गई, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, अच्छा ब्लू पेन से नहीं लिखूंगा, ब्लू पेन से लिखने का मतलब ये हो गया कि आपको लिखना है पेपर के अंदर। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है कि इस सेक्शन के पास एक स्पेशलाइज्ड पावर है, एक सबसे बढ़कर, इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, इस सेक्शन को, किस सेक्शन को, सेक्शन 4(6) को, इसमें लिखा ना नॉट विथ स्टैंडिंग, इस सेक्शन को, इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, सबसे ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों मैं ये वर्ड आपको पिछली बार मैंने आपको सिखाया था प्रोवाइडेड दैट, provided further that, provided also that, first proviso, second proviso, third proviso का मतलब समझाया था क्लास में। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना लॉ की लैंग्वेज, ये छोटे छोटे वर्ड आपको इतनी बार दिखेंगे ना आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा ना तो डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कोई भी लॉ, हर लॉ में अंदर ये वर्ड दिखने वाला है, नॉट विथ स्टैंडिंग, इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर कोई भी क्लैश करता है दो सेक्शन आपस में तो ये सेक्शन की बात मानी जाएगी, उस सेक्शन की बात नहीं मानी जाएगी उस केस के अंदर। अगर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 4(6) आपस में क्लैश करते हैं तो सेक्शन 4(6) की बात को ऊपर रखा जाएगा, इसकी बात मानी जाएगी, नीचे वाले सेक्शन की बात नहीं मानी जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग। सेक्शन 4(6) हमें बताता है जो भी प्रोविजन सेक्शन 4(1) में लिखे गए हैं उसे हम नॉट विथ स्टैंडिंग कर रहे हैं, मतलब उसे हम क्या कर रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इस सेक्शन को सबसे ऊपर रख रहे हैं, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 से भी ऊपर रख रहे हैं। सेक्शन 1 क्या कहता था, ध्यान दो, उधर ऊपर लिखवाया था मैंने, मैंने कहा सेक्शन 4(1) क्या कहता है, ध्यान दो, सेक्शन 4(1) क्या कहता है, ये कहता है, कहता है प्रोवाइडेड दैट द ग्रेजुटी शैल बी पेबल टू द एम्प्लॉयर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही रेंडर्ड द कंटिन्यूअस सर्विस फॉर द ईयर ऑफ। ये कंटिन्यूअस सर्विस का भी मैंने पूरी एक क्लास लगाई थी इसको समझाने के लिए, पूरी एक क्लास लग गई थी, एक घंटा लग गया था उसको समझाने के, एक वर्ड को समझाने के लिए। ध्यान सुनना, सेक्शन 4(1) क्या कहता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो रहा है और उसकी कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल से ज्यादा है या 5 साल तक है, 5 साल से कम नहीं है, और टर्मिनेशन होना सुपर एनुएशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, डेथ और डिसेबलमेंट की वजह से, तो उसको ग्रेजुटी दी जाएगी, ग्रेजुटी दी जाएगी। और यहां कह रहा है, यहां कह रहा है, यहां दोस्तों कह रहा है कि हम ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे। और सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुटी अगर उसके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं टर्मिनेशन के टाइम पर उसको ग्रेजुटी मिलेगी। सेक्शन 4(6) क्या कह रहा है, फॉरफिटर कह रहा है हम जब्त कर लेंगे, फॉरफीचर मतलब क्या होता है, ग्रेजुटी जब्त कर लेंगे। सेक्शन 4(1) क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेक्शन 4(1) क्या कह रहा है, ग्रेजुटी दी जाएगी अगर 5 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं, उसी कंटिन्यूस सर्विस के 5 साल हो गए तो टर्मिनेशन होते टाइम उसको ग्रेजुटी दी जाएगी। सेक्शन 4(6) कह रहा है कि ग्रेजुटी काट लेंगे, एक सेक्शन कह रहा है ग्रेजुटी दो, एक सेक्शन कह रहा है ग्रेजुटी जब्त कर लो, समझो, एक सेक्शन कह रहा है ग्रेजुटी दो और एक सेक्शन कह रहा है ग्रेजुटी जब्त कर लो, तो इसलिए वर्ड लगा दिया नॉट विथ स्टैंडिंग। मतलब अगर हम सेक्शन 4(1) की बात करें तो वो कह रहा है ग्रेजुटी दो, अगर एक केस आ रहा है कि ग्रेजुटी जब्त करना है तो जब्त करेंगे, फिर 4(1) नहीं चलेगा, इस सेक्शन को ऊपर रखा जाएगा, ग्रेजुटी जब्त कर ली जाएगी। आ रहा है समझ में, नॉट विथ स्टैंडिंग। सेक्शन 4(1) क्या कहता है, क्लोज 1 कहता है, सब सेक्शन 1 कहता है कि ग्रेजुटी दो अगर एक एम्प्लॉय को 5 साल हो गए हैं काम करते करते तो उसको ग्रेजुटी देनी चाहिए। सेक्शन 4(6) कह रहा है जो ग्रेजुटी दोगे उसमें से कुछ फॉरफिट कर लेना, कुछ जब्त कर लेना, फुल्ली या पार्टली, पूरा जब्त कर लो या आधली, तो कब जब्त करेंगे नीचे मैं बातें बताने वाला हूं, इस सब इस टाइम जब्त कर लेंगे। तो देखो एक सेक्शन कह रहा दो, एक सेक्शन कह रहा काट लो, डिडक्ट कर लो या जब्त कर लो, तो देखो दोनों आपस में क्रैश हो गया ना। सेक्शन 4(1) क्या कहता है, ग्रेजुटी मिलेगी, सेक्शन 4(6) के बारे में ग्रेजुटी जब्त कर लो, काट लो पूरी। तो जब यह कंडीशन है, जब दोनों सेक्शन आपस में क्लैश करते हैं तो वर्ड लगाया जाता है नॉट विथ स्टैंडिंग। और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है अब इस सेक्शन के पास सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 से ज्यादा पावर है, तो अगर ग्रेजुटी काटनी हुई और सेक्शन 1 कह रहा है कि देनी है और वे कह रहा है कि काटो, तो काट लेना, पावर पाली ऊपर कर दी, दैट इज कॉल्ड नॉट विथ स्टैंडिंग। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है कोई समझा दे नॉट विथ स्टैंडिंग को। मेरे दोस्तों सेक्शन 4 जो जो बातें मैं ब्लू में लिखूंगा ना सर वही आपको लिखना है, मैं जो जो रेड और ब्लैक में लिख दूंगा वो बातें आपको नहीं लिखनी। इसको भी लिख देता हूं, इसको भी आप, इसको भी लिखना, इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, स्पेशलाइज्ड पावर,
इसको भी मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, कहीं आप ब्लू पेन से लिख दो। इस सेक्शन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, ऊपर रखने का मतलब सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, स्पेशलाइज्ड पावर दे दी गई इस सेक्शन को। ठीक है दोस्तों, अब ब्लू, ब्लू का मतलब पेपर में क्या लिखना है, सिर्फ पेपर में लिखना है सिर्फ सेक्शन 466 प्रोवाइड दैट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 1, जो भी सेक्शन सब सेक्शन 1 में लिखा गया है, 4.1 में जो भी कंटेन है, जो भी प्रोविजन लिखे गया है, उससे ज्यादा पावर इस सेक्शन में है। और ये सेक्शन क्या बताता है, सेक्शन 46 क्या बताता है, 4 सब सेक्शन 6 क्या बताता है, लो पहला पॉइंट बताता है ये ब्लू से। अब यहां से लिखना है तो ब्लू ये लिखना है फिर ये लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो the gratuity of an employee whose service have been terminated for any act। मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूं, फॉर एनी एक्ट भी, किसी एक्ट की वजह से, विलफुल ओमिशन ये है बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज, ये हमारे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है, इसको समझाना है। नेग्लिजेंस अगर द ग्रेजुटी ऑफ एन एम्प्लॉय हुज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड, जिसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी इन तीनों की वजह से, जिसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दी गई, किसी एम्प्लॉय की सर्विस को अगर टर्मिनेट कर दिया गया ये तीन वजह से, एनी एक्ट, विलफुल ओमिशन, कोई भी काम करा किसकी वजह से, विलफुल ओमिशन की वजह से और नेग्लिजेंस की वजह से, अभी समझाऊंगा अभी पढ़ रहा हूं बस। कॉजिंग जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, causing any damage or loss to, comma, or destruction of property belonging to the employer shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused। भाई आपको पहला पॉइंट लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, इसको आप वन पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लिख दो, वन पॉइंट लिख दो। ये लिखने के बाद आपको सीधे ये लिखना है, रेड पेन और ब्लैक पेन का यूज नहीं करना, वो बस समझने के लिए है। अब आपको पढ़ने का तरीका सिखाता हूं, पढ़ने का तरीका देखो लोगों कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने का तरीका आ गया ना लोगों, उसे समझ लिया, ध्यान देना पढ़ने का तरीका, लोगों को पढ़ना ऐसा आसान नहीं है सर। द ग्रेजुटी ऑफ एन एम्प्लॉय, ध्यान सुनना दोस्तों, मैं आपको पहली बार ध्यान देना चाहिए, इंप्लॉय, द ग्रेजुटी ऑफ एन इंप्लॉय, यहां पर रुक जाओ और फिर यहां से पढ़ना चालू करो, दैट इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू स्टडी द लॉ लैंग्वेज। द ग्रेजुटी ऑफ एन इंप्लॉय शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज और लॉस सो कॉज्ड, ऐसे पढ़ते हैं, कह रहा है इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, ये बीच की बात नहीं पढ़ेंगे अभी, ध्यान सुनो, मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं, पढ़ने का तरीका क्या है, इंप्लॉय की ग्रेजुटी
एम्प्लॉय की ग्रेजुएशन। सर मैंने कहा ना थोड़ा टाइम लगाएंगे, पर इतने अच्छे समझ में आ जाएगा कि कसम से कह रहा हूँ कभी नहीं भूलोगे आप, और 100% पेपर क्लियर कर जाओगे। इम्प्लॉय की ग्रेजुटी फोरफिट कर दी जाएगी। कैसे पढ़ना है ये? ग्रेजुटी से इम्प्लॉय पर रुकना है कॉमा लगाने के बाद, फिर याले कॉमे से स्टार्ट करना है, याले कॉमे से स्टार्ट करना है दोस्तों, सेल बी से, तब बनता है सेंटेंस। ऐसे पढ़ते हैं लॉ, द ग्रेजुटी ऑफ एन इम्प्लॉय सेल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट टू द डैमेज ऑफ लॉस और सो कॉजेज। इम्प्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। सेल लिखा है, करना पड़ेगा। इम्प्लॉय मेन लिखा दोस्तों, कर सकता है नहीं कर सकता, करेगा ही। इम्प्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट करेगा ही, करेगा ही। टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट कहां तक कर सकता है? टू द एक्सटेंट कितना कर सकता है, कितना करेगा? करेगा ही जितना उसको, टू द एक्सटेंट जितना उसको डैमेज हुआ, डैमेज हुआ और लॉस हुआ, डैमेज और लॉस हुआ। इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट करेंगे ही, करेगा ही कहला इसको, इंप्लॉय की ग्रेजुटी फॉरफिट होगी। टू द एक्सटेंट कहां तक, कितना तक एडजस्टमेंट होगी? जितना उसको डैमेज हुआ, डैमेज और लॉस किसको? इंप्लॉय की ग्रेजुटी एक्सटेंड फॉरफिट होगी किसको? इंप्लॉय को। डैमेज हुआ इंप्लॉयर को, इंप्लॉयर को। ये समझ में आया? ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको। अभी मैंने पूरी बात नहीं कही, पूरी बात तो समझाई नहीं, मैं तुम्हें यहां से यहां समझा रहा हूं। मैंने इंप्लॉय से पढ़ा और फिर मैंने यहां से कर दिया। कह रहा है जी फॉर इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे, इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे अगर उसका कितना फॉरफिट कर लेंगे, इंप्लॉय की ग्रेजुटी जो होगी उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा कितना? टू द एक्सटेंट कितना तक, ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सटेंड कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना डैमेज, जितना डैमेज और लॉस होगा इंप्लॉय को, इंप्लॉयर को उतना फॉरफिट कर लेना, मतलब जब्त कर लेना, मत देना पैसे। ग्रेजुटी ग्रेजुटी बन रही थी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मत देना भाई, आपको 10 लाख का लॉस हो गया, उसकी डैमेज हो गया, 10 लाख रुपए जब्त कर लो, बाकी दे देंगे तो फॉरफिट जब्त कर लो फुल्ली और पार्टली, आगे सिखाऊंगा। आरासन में इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट, इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट, अरे उल्टा सीधा हो गया, इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे टू द एक्सटेंट जितना उसको डैमेज हुआ किसको? इंप्लॉयर को, इंप्लॉयर को, इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे। बन नहीं रहा ना हिंदी, कर ली जाएगी, ये सही है। इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा, इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा टू द एक्सटेंट जितना डैमेज और लॉस हुआ किसको? इंप्लॉय। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। कब करा जाएगा? अगर इंप्लॉय, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, कब करा जाएगा, कब करा जाएगा फॉरफिट, इसी में दे रखा है, इसी में दे रखा है कब करा जाएगा फॉरफिट। अब पढ़ने का तरीका फिर दोबारा चेंज हुआ, फिर दोबारा चेंज हुआ। कब करा जाएगा फॉरफिट? मैंने कहा इंप्लॉय की ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा टू द एक्सटेंट जितना इंप्लॉय को लॉस होगा या डैमेज होगा उतना फॉरफिट कर लेंगे उसकी। कब? हुज सर्विस, कब करा जाएगा? अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया, मैं फिर लिख रहा हूं, कब करा जाएगा? अगर इंप्लॉय की सर्विस को, इंप्लॉय की सर्विस को, सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया उसके कोई एक्ट से, उसके कोई एक्ट से, एसीटी, एस छोटा होगा दोस्तों, अगर बड़ा हो गया तो वो होता है कानून, एक्ट बन जाएगा वो। एक छोटा वाला एक्ट मतलब एक्शन, छोटे वाला एक्ट मतलब क्या होता है? एक्शन। उसने कोई काम करा, कोई एक्शन करा, कुछ भी करा, अपनी मर्जी से भूल गया, कोई काम करा जिससे क्या हो गया वो विलफुल भूल गया, विलफुल ओमिशन, विलफुल ओमिशन हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा गया, कोई भी उसने काम करा, काम करना था पर भूल गया, विलफुल अपनी इच्छा से, क्या छोड़ो ना यार नहीं कर रहे, कौन को रोक लेगा हमें, है ना, ये करने लग गया। इंप्लॉय को बोला तो भाई तुझे ये काम करना है, इंप्लॉय को बोला, इंप्लॉयर ने, ऑनर ने इंप्लॉय को बोला तुझे ये काम करना है, इंप्लॉय कर रहा है ठीक है कर देंगे सर कर देंगे, और उसको पता था ये काम करना है, करना है करना है, पर उसने जानबूझकर, विलफुली जानबूझकर भूल गया, ओमिशन जानबूझकर भूल गया, और उसकी वजह से उस जो इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को काम बोला कि ये तुझे करना है और वो जानबूझकर भूल गया, जो गलती से भूल गया तो ठीक है, पर जानबूझकर विलफुली ओमिशन हो गया, भूल गया, और उसकी वजह से उसको टर्मिनेट करा गया,
उसकी वजह से उसको टर्मिनेट करो, और जो वो भूला उस काम जो करना था जो कि नहीं करा उसने जानबूझकर भूला उस काम की वजह से इंप्लॉयर को लॉस हो गया तो फॉरवर्ड कर ली जाएगी ग्रेच्युटी। आया समझ में? अगर इंप्लॉय की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है उसके कोई एक्शन से, और एक्शन क्या है, वो भूल गया काम, काम के भूल जाने की वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया, और उस काम के भूल जाने की वजह से इंप्लॉयर को जो काम होना था जो कि नहीं हुआ इंप्लॉयर को हो गया लॉस या डैमेज, उस लॉस की भरपाई करने के लिए इंप्लॉय उसके पैसे काट लेगा ग्रेच्युटी के। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर। या तो वो भूल जाए जानबूझकर, या उस काम को नेग्लिजेंस कर दे, इग्नोरेंस दे दे कि भाई मैं नहीं कर रहा, अरे छोड़ना कौन क्या कर लेगा अपना, मैं नहीं करता, जो करना हो कर लो भाई, नेग्लिजेंस दे दे, नेग्लिजेंस कर दे, क्या कर दे दोस्तों, नेग्लिजेंस दे दे, या तो जानबूझकर भूल जाए या वो करे ही ना काम, इग्नोर ही कर दे, नेग्लिजेंस दे दे, और उस दो कामों की वजह से इसकी वजह से क्या हो गया हो, उसकी टर्मिनेट को, उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया हो, और उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, कॉजिंग एनी डैमेज और लॉस, और उससे क्या हुआ, इन दो की वजह से अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गया है उसके कोई एक्शन से, विलफुल ओमिशन या नेग्लिजेंस, इसकी वजह से, इन दो की वजह से या तो ऊपर वाला या नीचे वाला वजह से इंप्लॉय को, इन दो की वजह से क्या हो गया दोस्तों, इंप्लॉय को लॉस उठ हो गया, तो ऐसे एनी डैमेज हो गया, इन दो की वजह से एनी डैमेज हो गया और लॉस, एनी डैमेज हो गया और लॉस हो गया, एनी डैमेज या लॉस हो गया, और एनी डैमेज या लॉस हो गया, और मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों, और डिस्ट्रक्शन हो गया जो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग थी एम्प्लॉयर की, जो प्रॉपर्टी थी एम्प्लॉयर की जो प्रॉपर्टी, इसमें डिस्ट्रक्शन हो गया। अब ये डिस्ट्रक्शन क्या होता है, एम्प्लॉयर की, ठीक है दोस्तों। अब डिस्ट्रक्शन मतलब होता है ऐसा कोई टूट फूट जिसका कोई रिपेयर ना हो सके, डिस्ट्रक्शन मतलब वो होता है। अब मेरी बात समझना, अब आपको लॉ समझ में आएगा एक्चुअल में क्या लिखा था लॉ में दोस्तों क्या लिखा था, पढ़ना जा रहा लॉ में क्या लिखा था, लॉ में देखो आपको क्या लिखना है। मैंने आपको पहले समझा दिया दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक बार होगा लाइफ में और एक बार में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए। द ग्रेच्युटी ऑफ एन एम्प्लॉई हुज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड, पढ़ने का तरीका समझाया, एम्प्लॉई ग्रेच्युटी को शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज और लॉस, कितना फॉरफिट करेंगे, जितना उसको डैमेज हुआ लॉस हुआ उसकी प्रॉपर्टी को या एम्प्लॉई को। कब हुआ, अगर हुज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड, जिसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई हो, कैन एनएक्ट से कोई ऐसा काम जो उसने जानबूझकर गलत करा या नेग्लिजेंस कर दिया या भूल गया, कॉजिंग एनी, और उस काम की वजह से, उस नेग्लिजेंस की वजह से उसको डैमेज हो गया, किसको, एम्प्लॉई को, या लॉस हो गया, या डिस्ट्रक्शन, ऐसी कोई टूट फूट होगी उसकी प्रॉपर्टी को लेकर जिससे एम्प्लॉय को ठीक नहीं कर सकता, ऐसी कोई टूट फूट, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है ऐसा कोई टूट फूट हो जाना जिसको रिपेयर नहीं कराया जा सकता, बिलोंगिंग टू एम्प्लॉय शैल बी फॉरफिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डैमेजेस और लॉसेस आल्सो कॉज्ड। अब मेरे को बताओ नहीं समझ में आया तो, आ गया सर बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा टू द एक्सटेंट जितना उसको डैमेज और लॉस हुआ होगा एम्प्लॉयर को, ठीक है, एम्प्लॉय की कब करा जाएगा फॉरफिट, कब करा जाएगा, अगर एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा गया है तीन दो चीजों की वजह से, कोई उसने काम करा जो जानबूझकर भूल गया, या उसने काम को नेग्लिजेंट इग्नोर कर दिया, इन दोनों की वजह से अगर कोई डैमेज और लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसको, प्रॉपर्टी को, एम्प्लॉय की, तो उस केस के अंदर फॉरफिट कर लिया जाएगा। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आया, तो आपको लिखना क्या कौन कौन सा, पहला पॉइंट लिखना आपको ये सेक्शन 41 वाला, और दूसरा पॉइंट लिखना इतना, बाकी रेड पेन से कुछ नहीं लिखना, आप तीसरा पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट लिखना सही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इफ द ग्रेच्युटी जितना आपको लॉ की लैंग्वेज मुश्किल लगती है ना दोस्तों, होती नहीं है, आपको बताओ कहां मुश्किल है बता देना, आप नहीं कर पाओगे यार। द ग्रेच्युटी पता है मुश्किल कब होती है दोस्तों, मुश्किल तब होती है जब हमको समझ नहीं आता, जब समझ आने लगता है ना तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। अब आपको क्योंकि समझ आ रहा है तो आपको लग रहा है या तो ये लॉ की लैंग्वेज तो बहुत ही आसान होती है। द ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉई में बी होली होली
और पार्टली फॉरफिटेड, यहां मैंने बता भी दिया पार्टली फॉरफिटेड। इंप्लॉय की जो ग्रेजुटी है वो मे होली और पार्सली फॉरफिटेड। लो भाई लो, कब कब भाई होली और पार्सली फॉरफिट कब करेंगे? एक तो प्रॉला केस बताया, दूसरा ए, अब फिर द्वारा ए डाल दिया मैंने। इफ द सर्विस, इफ द सर्विस ऑफ सच इंप्लॉय, इफ द सर्विस ऑफ सच इंप्लॉय, उस इंप्लॉय की सर्विस, इफ द सर्विस ऑफ सच इंप्लॉय have been terminated for any act, कोई उसका काम, any act का मतलब क्या होता है? Action, कोई भी उसने काम करा है, which constitutes एन ऑफेंस, जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर दे, ऑफेंस जुर्म, इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिप्यूट्यूड ट्रिप्यूट्यूड प्रोवाइडेड दैट, देखो वर्ड चालू हुआ, प्रोवाइडेड दैट, सर ये पैराग्राफ चालू नहीं हुआ, आप मत समझना ये प्रोविजो है। मैंने कहा कोई भी पैराग्राफ अगर प्रोवाइडेड वर्ड से शुरू होता है, प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजो। ये कोई प्रोविजो नहीं, ये तो पैराग्राफ के बीच में आया है, पैराग्राफ मतलब यहां से शुरू होता है, अगर यहां से तब मैं कहता वो फर्स्ट प्रोविजो है, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट प्रोविजो मैं आपको समझा चुका, provided that such offense is committed by him in the course of his employment। ठीक है सर, ये में से क्या हुआ, बुक के अंदर ना बी पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ वो ए में था और ए पॉइंट बी में था, अगर आपने नहीं लिखा तो बी वाले पॉइंट को ए में कर दो, ए वाले पॉइंट को बी में कर दो, ये था, ऊपर नीचे हो गया मेरे से द्वारा शुरुआत, क्योंकि दोनों से ये थी। इफ द सर्विस ऑफ, सर ऐसे आगे पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही प्रोविजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ द सर्विस ऑफ सच इंप्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड For his riotous behavior, बताया था ना मैंने आपको riotous का मतलब, फिर बताऊंगा, टेंशन मत लो, riotous और disorderly behavior बोलो या conduct बोलो, ऐसा कोई काम जो riotous या disorderly conduct था, और any other act of violence on his part। सर इस वाले, अगर इसको देखना, अगर बी वाले पॉइंट को आप ए वाले में लिख रहे हो तो और लगा देना, अगर आपने ए वाले पॉइंट को ही ए में लिख दिया गलती से मेरी तरह तो आप इधर और लगा देना, बात एक ही है, खत्म, ठीक है। अब ये क्या कहता है दोस्तों, ध्यान समझना, सॉरी ये क्या कहता है ध्यान, हिंदी में एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं इन हिंदी, मजा आता है ना हिंदी में एक्सप्लेन करने से, फायदा होता है क्या होता है, अभी आपको याद आ रहा होगा, अभी तो मैं ऐसे बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा, पर जब आप रिवीजन करोगे सर तब वीडियो देखने में तो टाइम लगेगा, और रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, और मैं हिंदी में तभी लिखवाता हूँ जब क्या हो, हर प्रोविजन को लिखवाने लग गया तो फिर तो हो गया खत्म चैप्टर, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसमें, और यही मैंने लिखा है हिंदी में।
जो ग्रेजुटी, लिखेंगे मेरे साथ, जो ग्रेजुटी इंप्लॉई को देनी होगी, इंप्लॉई को देनी है, जो ग्रेजुटी इंप्लॉई को देनी है उसे पूरी या थोड़ी पार्शली फॉरफिट कर लिया जाएगा, फॉरफिट कर लेंगे, फॉरफिटेड कर ली जाएगी, फॉरफिटेड कर ली जाएगी अगर नीचे दो पॉइंट से एक भी हुआ, नीचे दो पॉइंट में से, नीचे दो पॉइंट में से एक भी होता है तो ए पॉइंट। अच्छा मेरी बात सुन लो, एक बात, मैं ए पॉइंट ये लिख रहा हूं, अगर आपने ये बी में लिखा तो एक्सप्लेनेशन भी बी पॉइंट में देना याला भी, ठीक है? तो ए वाला एक्सप्लेनेशन ए में, बी वाला ई में। जो ग्रेजुटी इंप्लॉय को देनी है उसे पूरी या फिर थोड़ी फॉरफिट कर ली जाएगी अगर नीचे दो पॉइंट में से एक भी पॉइंट होता है तो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है ध्यान सुनना, अगर इंप्लॉय की सर्विस को, अगर बहुत ही सिंपल है, मैं इसको वैसे बोलकर भी समझा सकता हूं पर जानबूझकर लिख रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले पे आपका काम आएगा दोस्तों। अगर इंप्लॉय की सर्विस, अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा जाता है, खत्म करा जाता है, निकाल दिया जाता है, मतलब खत्म करके टर्मिनेट करा जाता है, टर्मिनेटेड करा जाता है, अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा जाता है तब, जब इंप्लॉय कोई ऑफेंस करे, इंप्लॉय कोई ऑफेंस करे, कोई जुर्म करे, ऑफेंस करे और ऐसा ऑफेंस करे जिससे मोरल वैल्यू को ठेस पहुंचे अगर इंप्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा जाता है, जो इंप्लॉय कोई ऑफेंस करे, जब इंप्लॉय कोई ऑफेंस करे और ऐसा ऑफेंस करे जिससे मोरल वैल्यू को ठेस पहुंचे, ठीक है मेरे दोस्तों, और ये ऑफेंस एम्प्लॉयमेंट, या हम बोलते हैं सर्विस देते टाइम किया गया हो। भाई कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है कोई इंप्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जब वो जॉब कर रहा है, जॉब करते टाइम, उस टाइम वो कोई ऑफेंस करता है जिससे क्या होता है मॉरल वैल्यू को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे केस के अंदर हम उसकी ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। हाँ सर, ऊपर से तो कराया जाएगा, अगर वो ऊपर वाला केस में तो कराया जाएगा, साथ में ये भी है, ये तो कराया जाएगा साथ में, ये भी है दोस्तों। इफ अ सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर एनी एक्ट, कोई भी ऐसा करता है विच कंसिस्ट, जिससे ऑफेंस होता है इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट, और वो ऑफेंस क्या होता है इन्वॉल्विंग, उस ऑफेंस के अंदर क्या हो इन्वॉल्विंग मॉरल एफर्ट, अगर कोई इंप्लॉय की सर्विस टर्मिनेट करा जाता है, इंप्लॉय कोई ऑफेंस करे या ऐसा कोई ऑफेंस करे, ये ऑफेंस करे या कोई ऐसा ऑफेंस करे जिससे मोरल वैल्यू को, तो इन्वॉल्विंग लिखा है सर, इसका मतलब ये नहीं है कि मोरल वैल्यू वाला ऑफेंस हो, इन्वॉल्विंग का मतलब मोरल वैल्यू भी इंक्लूड है, इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिपिट्यूड भी इंक्लूड है, और भी हो सकता है पर मोरल ट्रिपिट्यूड भी इंक्लूड है, ऑफेंस करे या मोरल जिससे, और या ऑफेंस कर ले जिससे मोरल ट्रिपिट्यूड, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफेंस इज कमिटेड, जो ऑफेंस करा गया हो बाय हिम, उस पर्सन द्वारा, इंप्लॉय द्वारा, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान करा गया हो, टर्मिनेट होने के बाद नहीं, एम्प्लॉयमेंट के दौरान करा गया हो, तो ऐसा अगर करेगा तो हम उसकी ग्रेजुटी को फॉरफिट कर लेंगे पार्शली या फुल्ली। बी, इफ सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड, अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस, अगर एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा जाता है, खत्म करा जाता है,
करा जाता है, अगर किसी इंप्लॉय की सर्विस को खत्म करा जाता है, जब इंप्लॉय रायोटियस या डिसऑर्डरली कंडक्ट करे। रायोटियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रायोटियस का मतलब होता है गलत काम करना। जब इंप्लॉय कोई गलत काम करे या उल्टा पुल्टा काम करे, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डरली या रायोटियस काम करे, ठीक है। फिर क्या बोला था इफ सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड फॉर इज रायोटियस और डिसऑर्डरली, मतलब उल्टा पुल्टा या गलत काम करना कंडक्ट करना, फॉर एनी और साथ में और लगा या एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज, या कोई भी अदर वायलेंस करे, या कोई भी जो किसी और एक्ट में लिखा है, या कोई भी दूसरा वायलेंस बिहेवियर करे, वायलेंस करे जो किसी और एक्ट में लिखा हो, किसी और एक्ट में लिखा हो, किसी और एक्ट में ये भी वायलेंस लिखा हो, तो वो वायलेंस भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। और ऐसा कोई काम करेगा, गलत काम करा या उल्टा पुल्टा काम करा या कोई अदर वायलेंस करा किसी और एक्ट में, जो वायलेंसेस लिखे हुए है, जो आपके पास वायलेंस मतलब तो पता है ना दोस्तों आपको, नहीं पता तो लिख देता हूँ, हिंसा करना, गलत व्यवहार करना किसी के, और वो ऐसा वायलेंस जो लिखा गया है किसी हिंसा, कुछ भी किसी भी तरीके का वायलेंस हो सकता है, हिंसा कर सकता है कोई पर्सन, तो किसी और एक्ट में लिखा हो वो भी इसमें आ जाएगा। अब पढ़ लो सर जो मैंने लिखा है, द ग्रेजुटी टू एन एम्प्लॉय मे बी होली और पार्टली फॉरफिटेड, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी को मेल होली और पार्टली पूरा फॉरफिट कर लो या थोड़ा बहुत कर लो। अब पार्टली का मतलब आधा नहीं होता, पार्टली मतलब कुछ होता है, कुछ फॉरफिट कर लो। इफ सर्विस ऑफ सच एम्प्लॉय, अगर उस सर्विस एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करा जा रहा है, कुछ टर्मिनेट कर दिया गया है, फॉर एनी एक्ट, किसी ऐसे काम की वजह से कोई ऐसा ऑफेंस करा जो इंक्लूडिंग मोरल ऑफ ट्रिप्यूट है, प्रोवाइडेड है सच ऑफेंस, वो ऑफेंस ही इंप्लॉयमेंट में करा हो, अगर इंप्लॉयमेंट खत्म होने के बाद ऑफेंस कर रहा है तब कोई मतलब नहीं, तब नहीं कह सकता ग्रेजुटी, इंप्लॉयमेंट के टाइम जब तक उसकी सर्विस चल रही थी तब उसने कोई ऑफेंस करा और उस ऑफेंस की वजह से, उस जुर्म की वजह से उसको निकाला जा रहा है, तो इसलिए इंप्लॉयर क्या कर सकता है, इंप्लॉयर उसकी ग्रेजुटी फॉरफिट कर सकता है। कितनी करेगा? होली और पार्टली, कुछ भी, जो इंप्लॉयर की मर्जी, जैसा चाहे वैसे कर सकता है। मान लो आप इंप्लॉय हो और आप, मैं इंप्लॉयर हूँ और आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने आपको निकाल दिया, आप कह रहे हो भाई निकाल दे ठीक है, तो ग्रेजुएटी तो दो मुझे, मैं तो 5 साल कंप्लीट हो गया, मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो 30 साल काम करे, तो 50 साल काम करते हो, ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी भाई, मेरी मर्जी। अगर मेरा मन करा चल दे दू थोड़ी ज्यादा ऑफेंस, बड़ा कुछ ज्यादा बड़ा ऑफेंस कर दिया, मेरी मर्जी, इंप्लॉयर की मर्जी रहेगी, वो कुछ भी दे सकता है कुछ भी नहीं दे सकता। बस ऑफेंस करते वक्त, ऑफेंस करते ही आपको निकाला ना जाओ, ऑफेंस करा निकाल दिया तो ग्रेजुएटी का डिपेंड करता है कि देगा नहीं देगा एम्प्लॉयर के हाथ में, या उसने कोई ऐसा काम करा, ऐसी सर्विस, उसकी सर्विस को टर्मिनेट करा गया, कोई उल्टा पुल्टा काम करने के बाद कोई ऐसा काम कर दे, गलत काम कर दिया जिससे उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया, निकाला गया उसको, निकाल दिया गया, और कोई भी अदर वायलेंस जो किसी और एक्ट के अंदर है, किसी और एक्ट में लिखा गया हो, अदर एक्ट ऑफ वायलेंस, किसी और तरीके का वायलेंस जो हो उसको भी करा हो, किसी और तरीके का वायलेंस कहीं भी लिखा हो, तो वो उससे भी अगर टर्मिनेट करा जाता है उसको, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू जा, अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा ग्रेजुटी, या तो इम्प्लॉयर की मर्जी है दे दे या नहीं दे, क्या बात समझ में आई है नहीं। तो ये था द कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्वेश्चन, अब जरा ध्यान सुनना, अगर आपका क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन 3-4 नंबर का आता है, तो आपको बस ये 3 पॉइंट लिखना है, एक सेक्शन 4-6 वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस यहाँ पर ग्रेजुटी अब तो खत्म हो गया, उसके बाद फिर कुछ बातें आती है। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो सर ग्रेजुटी कब फॉरफिट करी जाएगी ये खत्म होता है, तो मैंने आपको सिखाया कि ग्रेजुटी कब फॉरफिट करी जाएगी। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना, पर अगर 8 नंबर का आ रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो केसेस भी लिखने हैं, जो मैं केस आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर मैंने कहा कि सर मैं अगर क्वेश्चन पे चलूं, तो क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं दोस्तों, तो ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये इससे नहीं होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मेनली जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है उसके अंदर, पेपर के अंदर मैक्सिमम है। अगर केस स्टडी आ रहा है तो केस स्टडी के लिए केस लो पढ़ने पड़ेंगे आपको पहले, फिर जाकर केस स्टडी कंप्लीट हो पाएंगी। तो अगर मैं कहूँ 4 नंबर ग्रेजुटी है, तो जो भी मैंने बताया सेक्शन 4-6 वाली सेक्शन, वो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, कब कब ग्रेजुटी फॉरफिट कर सकते हैं वो इसमें लिखना है, ये मेरा खत्म हो गया। फॉरफिट कब इसमें लिख सकना है, फॉरफिट ये इसमें, 4-4 नंबर का आ रहा है तो आप इसमें कर लो, और आपके पास जैसे ये आ गया अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, ये मैं कराऊंगा, ठीक है, केस स्टडी बाद में, जैसे फॉरफिटर है
और फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कितना लिखोगे, सिर्फ इतना तक लिखोगे, इतना तक, यहाँ तक लिख दोगे। सिर्फ यह पूछा होगा कि ग्रेजुटी कब फोरफिट करी जा सकती है। अगर आपको केस लॉ लिखने में ज्यादा मन है तो और अच्छी बात है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो मैं केस लॉ कराऊंगा वो भी लिख देना भाई। पर अगर चार नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्टिंग मत करो, इतना लिखो, बहुत बढ़िया बात है। केस लॉ लिखना चाहता हो लिखो, टाइम है तो लिखो, जितना आ रहा है सब लिख दो दोस्तों, नंबर कट ही नहीं पाएंगे आपके, काट नहीं सकता कोई। सर अब क्या करें, पूरी लॉ की लैंग्वेज लिख दी दोस्तों, अब क्या, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर ऑफ ग्रेजुटी। तो मैंने आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बता दिया इसके अंदर, लॉ की लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करना सिखा दिया और पढ़ना भी सिखा दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया इस क्लास के अंदर। बट अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी एक क्लास मुझे और चाहिए जिसमें मैं आपको सिखा सकूं केस लॉ, और भी बहुत कुछ बातें इसके अंदर बताने लायक। यहाँ ये समझ में आ गया कि फोरफीचर कब, ग्रेजुटी कब फोरफिट करी जाएगी, कितनी कर सकते हैं, होली पार्टली एम्प्लॉय पे करता है, कब करी जाएगी ये पता चल गया, किस किस केस में करी जाएगी ये पता चल गया बस। अब आगे कुछ केस लो है जो सुप्रीम कोर्ट के केस है, हाई कोर्ट के केस है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर इतना है, आप मुझे बताओ क्या वाक्य में समझ में आया नहीं आया। अगर ये वीडियो YouTube पे अपलोड है तो उसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर नहीं, अगर नहीं है तो और ही बेटर। थैंक यू मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।